भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक तो कर लिया गया, लेकिन बाद में ये अकाउंट रिकवर हो गया। ये अकाउंट पीएम मोदी की निजी वेबसाइट narendramodi.in से लिंक था। उनके इस वेबसाइट पर करीब 25 लाख फॉलोअर हैं। अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स बिटकॉइन की मांग करने लगे। अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स ने बिटकॉइन के जरिए दान की मांग की। इतना ही नहीं, हैकर्स ने अपना परिचय जॉन विक के नाम से दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जॉन विक है कौन और हैकर ने जॉन विक का नाम क्यों लिया। जॉन विक एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर मीडिया फ्रेंचाइजी है जिसको डेरेक कॉलस्टेड द्वारा बनाया गया था। इसमें कॉलस्टेड की 3 लिखित फिल्में हैं। इन फिल्मों का निर्देशन चार्ड स्टेल्की ने किया था। जॉन विक फिल्म सीरीज में इस कैरेक्टर को कियानो रिव्स ने निभाया था। जॉन विक, जो इसी नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में कीनू रिव्स द्वारा निभाया गया एक काल्पनिक चरित्र है, जिसे इस वक्त आप ट्रेंड होता देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यही वो शख्स है जॉन विक जिसने पीएम का अकाउंट हैक किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी तस्वीर पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक होने के साथ वायरल हो रही है, वो कौन है? तो दरअसल वो जॉन विक कियान रिव्स हैं, जो कि जॉन विक एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी के किरदार हैं। अब सवाल यह है कि जॉन विक का नाम क्यों आया। दरअसल ये हैकरों की चाल होती है। हैकर किसी न किसी ऐसे ही बड़े स्टार का नाम लिखता है जो पॉपुलर होता है। पीएम मोदी का ट्विटर हैक कर जॉन विक का नाम दिया गया।